वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल अभीक्षा। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, मैंने इस बार कोशिश की है, इस बार सोचा है कि मैं एक वेडिंग सीरीज़ स्टार्ट करूँगी, जिसमें कि आपको, अगर आप शादी कर रहे हो इस साल तो, या फिर आप अगले साल भी शादी कर रहे हो, तो ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपके पास होनी ही होनी चाहिए, जो ब्राइड टू बी हैं उनके लिए नेसेसरी क्या क्या ज़रूरतें हैं उनकी, क्या क्या ज़रूरी आइटम्स हैं जो कि उनके पास होने चाहिए, ये सारी सीरीज़ उस बारे में होने वाली है। सो पहला जो पार्ट आएगा वो आएगा कि आपके पास कौन कौन सी साड़ियाँ होनी चाहिए, ठीक है। बाकी जो अदर आउटफिट होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ साड़ियों की, बिकॉज शादी एक बार ना होता है कि साड़ी, शादी से रिलेटेड साड़ी सबसे पहले दिमाग में आती है। तो पहले हम शादी की साड़ियों की बात करेंगे, सॉरी। इसके बाद फिर हम बात करेंगे ज्वेलरी आइटम्स की, आपके पास कौन कौन से ज्वेलरी आइटम्स होने चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड वेस्टर्न आउटफिट की, और वेस्टर्न आउटफिट के साथ ही हम वेस्टर्न ज्वेलरी में आपके पास क्या होना चाहिए उसकी बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे लिपस्टिक्स, कौन सी फेवरेट लिपस्टिक्स है जो कि आपके पास होनी ही होनी चाहिए। उसके बाद हम थोड़ी बहुत बातें करेंगे मेकअप की, कि कौन कौन सा ऐसा मेकअप है जो कि आपके पास होना चाहिए। उसके बाद फिर हम बैग्स की बात करेंगे, और ऐसे ऐसे फुटवेयर, मतलब देखते हैं कहाँ तक जाती है ये सीरीज, बट मैंने फिलहाल इतनी ही चीज़ें प्लान की हैं कि मुझे ये सारी चीज़ें करनी हैं, और मैंने ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली हैं कि ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो अगर आप ये देखने में इंटरेस्टेड हैं और अगर आप इस साल शादी कर रहे हैं तो इन वीडियोस को बिल्कुल मिस मत करिएगा। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, बेल आइकन को प्रेस करना होगा, जिससे कि नोटिफिकेशन जाए सबसे पहले आपके पास और आप ये वीडियो सबसे पहले देख सको। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो जब हम सोचते हैं कि हमें शादी करनी है, जब भी हम डिसाइड करते हैं कि हमें शादी करनी है, तो हमारे दिमाग में आता है कि हमें शादी के लिए कुछ आउटफिट्स खरीदने हैं, कुछ साड़ियाँ खरीदनी हैं जो कि हम शादी में पहन सकें, शादी के बाद जो हमारे यहाँ पूजा कथा होती है, सबके यहाँ कथा पूजा होती ही है शादी के बाद, उसमें पहन सकें, या शादी के बाद भी, कई बार ना हमारी शादी के जस्ट बाद भी शादियाँ पड़ती हैं, तो आपको वहाँ भी जाना होता है, तो आप सोचते हो कि क्या पहनो। तो साड़ियाँ जो होती है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि जो साड़ी में सुंदरता है वो किसी कपड़े में नहीं है। मुझे ये लगता है, मेरा ये मानना है कि जो सुंदरता साड़ी में है वो किसी और कपड़े में नहीं है। तो साड़ी में आप जितने सुंदर लगोगे ना, उतने सुंदर आप सूट में नहीं लगोगे, उतने सुंदर आप जीन्स में नहीं लगोगे, उतने सुंदर आप लहंगे में नहीं लगोगे। तो साड़ी की एक अलग ही ब्यूटी होती है, तो इसीलिए साड़ी को बहुत ही ध्यान से चूज़ करना चाहिए। मैं अपनी बात करूँ, अगर मैं पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो मैंने अपनी शादी में बहुत ही कम साड़ियाँ ली थी, बट मैंने सारी साड़ियाँ बहुत हल्की ली थी। बिकॉज क्या था कि मुझे इंगेजमेंट में भी मेरे घर से साड़ी मिली थी, लहंगा मिले थे जो कि हैवी हैवी थे, तो मुझे ये था कि हाँ ये साड़ियाँ मैं हैवी साड़ियाँ जब भी मुझे पहननी होगी तो मैं यही यूज़ कर लूँगी। उसके अलावा मैंने ना कुछ हल्की हल्की साड़ियाँ ली थी, जो कि मैंने थोड़ा सा सोच के ली थी कि हाँ मेरे पास हल्की साड़ियाँ होनी चाहिए, कुछ ब्राइट कलर्स लिए थे कि मेरा कलर ज़्यादा फेयर नहीं था, तो मुझे उसके हिसाब से ना काफ़ी ब्राइट साड़ियाँ लेनी थी, मतलब नहीं था मतलब नहीं है, तो मुझे काफ़ी ब्राइट साड़ियाँ लेनी थी। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं जो साड़ियाँ लूँगी वो ब्राइट कलर की लूँगी, और वो भी ज़्यादा हैवी नहीं लूँगी, बिकॉज हैवी साड़ियाँ कभी भी काम नहीं आती। ट्रस्ट मी गाइस, मैं ये चीज़ 10 बार बोलूँगी, हैवी साड़ियाँ कभी भी काम नहीं आती हैं, 2-3 बार से ज़्यादा कभी काम नहीं आती। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपके पास दो रेड साड़ी होनी चाहिए। मैं हमेशा कहूँगी दो रेड साड़ी होनी चाहिए, एक नहीं दो रेड साड़ी होनी चाहिए। एक रेड साड़ी होनी चाहिए जो कि हैवी होनी चाहिए, जिसमें पूरा ऐसा हैवीनेस हो थोड़ी सी, जैसे कि पूजा में पहनना हो, या फिर अगर आप मुँह दिखाई में पहनने का सोच रहे हो, तो रेड कलर जो होता है ना मुँह दिखाई के टाइम पर भी ना काफ़ी ज़्यादा ब्राइट लगता है, तो अगर आप मुँह दिखाई के लिए की रस्म में पहनना चाह रहे हो तो आप रेड साड़ी पहनो। रेड साड़ी के साथ रेड लिपस्टिक ही लगाना, रेड बिंदी ही लगाना, और रेड चूड़ा ही पहनना। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, ये इंस्टेंट आपको ब्राइट दिखाती हैं, आपके फेस को ब्राइट दिखाती हैं। तो आप एक रेड हैवी साड़ी ले सकते हो, जो कि आप किसी हैवी जगह पर पहन के जाना चाहो। हैवी जगह मतलब कोई पूजा है, कथा है, या किसी के यहाँ आप किसी क्लोज में, आप किसी के यहाँ शादी में जा रहे हो पहली बार, तो ना कई बार बहुत सारे लोग अनकंफर्टेबल होते हैं लहंगा पहन के जाने में, तो आप साड़ी पहन के चले जाओ। अब वो हैवी साड़ी ज़रूरी नहीं है कि कढ़ाई वाली हो, वो साड़ी आपकी सिल्क की भी हो सकती है। सिल्क में यहाँ पर मैं कुछ पैटर्न्स लगाती जाऊँगी इधर उधर, तो सिल्क में भी बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न्स हैं, जैसे कि अनुष्का शर्मा ने पहनी थी, वो पैटर्न भी बहुत अच्छा है, साड़ी मेरी मम्मी के पास से, तो वो साड़ी भी आप पहन सकते हो, बहुत ही सुंदर लगती है। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत हैवी भी होती है, उसका जो वर्क होता है ना वो एकदम उभरा हुआ सा गोल्डन वर्क होता है, तो वो ऑप्शन भी आप ले सकते हो। इसके बाद बात करते हैं रेड दूसरी साड़ी क्या होनी चाहिए। दूसरी रेड साड़ी आपके पास होनी चाहिए एक सिंपल सी प्लेन साड़ी, जिसका जो ब्लाउज है वो रेड ना हो तो भी चलेगा।
ज़रूर नहीं है रेड हो। मेरे पास एक रेड साड़ी थी जिसका ब्लाउज था ग्रीन, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, अभी भी मेरे पास है। मैं थी पता नहीं क्यों हर चीज़ में इतना यूज़ कर रही हूँ। तो आप वैसी साड़ी भी ले सकते हो, या फिर मेरे पास एक और साड़ी है, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लगाती जाऊँगी, वो एलिफेंट वाली साड़ी है। पूरी साड़ी जो है वो रेड नहीं है, वो डार्क मरून टाइप की साड़ी है। तो आप एक हल्की साड़ी भी ले सकते हो जिसका स्टफ़ जो है बहुत ही सॉफ्ट हो, बिकॉज जो सॉफ्ट वाली रेड साड़ी होती है ना वो भी बहुत अच्छी लगती है अगर आप ऐसे ही कहीं पहन के जाना चाहो, या फिर आप अपने मायके भी जा रहे हो पहली बार तो भी आप ना एक हल्की रेड साड़ी पहन के जा सकते हो। क्योंकि शादी के बाद जब पहली बार जाओ, मैं तो यही बोलूँगी रेड साड़ी पहन के जाना। मैं येलो साड़ी पहन के गई थी, बिंदिया बिंदिया लगा के मैं तो गई थी। खैर, तो आप ना रेड साड़ी पहन के जा सकते हो, सॉफ्ट वाली, जो बहुत सॉफ्ट स्टफ होता है ना वो वाली साड़ी। शादी के कुछ दिनों तक रेड बहुत सुंदर लगता है, तो जितना रेतना है रेड साड़ी उसी समय आप पहन डालो। उसके बाद ना फिर आप इतना ज़्यादा मतलब ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे बाकी सारे कलर्स में कि आप ना रेड को एकदम साइड कर दोगे। तो शादी का जो टाइम होता है वो पीक टाइम होता है, शादी के बाद का टाइम, उस टाइम पे खूब रेड पहनना है तो आप पहन सकते हो। तो आपके पास हल्की होनी चाहिए। इसके अलावा मैं एक रेड साड़ी का और ऑप्शन यहाँ लगाऊंगी, जो रेड साड़ी है हल्की सी ऑर्गेन्जा स्टफ है, टिशू का कपड़ा है गेस ये, इसके साथ ग्रीन ब्लाउज है, मतलब बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन हमेशा से बहुत अच्छा रहा है, तो आप ऐसी साड़ी भी ले सकते हो। यहाँ पर मैं दो हल्की साड़ियों का मैं ऑप्शन लगाऊंगी, यहाँ पर मैं भारी साड़ियों का भी ऑप्शन आती जाऊंगी, आप देखते जाना। तो आप ऐसा कुछ भी ले सकते हो, रेड साड़ी दो होनी ही होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट कौन सा कलर होना चाहिए। एक कलर ये होना चाहिए आपके पास येलो, येलो जो है मस्ट है, एक येलो होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के यहाँ फेरों में रात में येलो पहनते हैं और वो किसी को दे दिया जाता है, बहुत लोगों के यहाँ नहीं दिया जाता है। तो अगर आपके यहाँ दे दिया जाता है तो ज़्यादा इन्वेस्ट मत करना, लेकिन हाँ अच्छी साड़ी लेना जिसको दो उसको भी अच्छा लगे। और अगर नहीं दिया जाता है तो थोड़ी लंबी प्लानिंग करके ऐसी साड़ी लेना जिसका जो एम्ब्रॉयडरी हो, जिसका जो वर्क हो वो पुराना वर्क नहीं हो। पुराना वर्क मतलब पहले जो वर्क चलते थे वो वाले वर्क नहीं होने चाहिए। आजकल तो जरी वर्क चलता है, छोटे छोटे डायमंड्स लगे होते हैं वो अच्छे लगते हैं, या फिर गोटा पट्टी वर्क भी आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। तो आप ऐसा कुछ ले सकते हो, साड़ी ऐसी लो जो कि ऐसा लगे कि कभी पुरानी नहीं होगी। कुछ ऐसे ना हैवी वर्क होते हैं, मोती वाली साड़ियाँ होती हैं, मैं यहाँ पर लगाऊंगी इमेज, ऐसी साड़ियाँ मत लेना क्योंकि ये ना एक टाइम के बाद फिर अच्छी नहीं लगती, फिर लगता है बहुत हैवी लुक दे रही है। तो मेक श्योर करना कि साड़ी का जो वर्क हो वो बहुत ध्यान से चुनो। साड़ी अगर आप सिल्क लेते हो, येलो में आप सिल्क ले सकते हो, सिल्क में भी ना अच्छा वर्क आता है आजकल, तो सिल्क में भी अच्छा सा उभरा हुआ कढ़ाई वगैरह हुई होती है, डायमंड्स लगे होते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा, बिकॉज सिल्क कभी भी आउट ऑफ द फैशन नहीं होता है। सिल्क मम्मी के टाइम में भी चलता था, हमारे टाइम में चल रहा है, हमारे बच्चों के टाइम में भी चलेगा। तो सिल्क ले सकते हो आप, येलो सिल्क की साड़ी जो कि मस्ट हैव है, आपके पास होनी ही होनी चाहिए। या फिर आप चाहो तो सॉफ्ट वाला स्टफ भी ले सकते हो, बट सॉफ्ट वाला स्टफ की भी ना उम्र थोड़ी कम होती है, सिल्क की उम्र लंबी होती है, अच्छी होती है, मैं यही बोलूंगी। इसीलिए शायद सिल्क की साड़ियाँ मेरा पहला प्यार है, बिकॉज मुझे पता है कि वो बहुत लंबा लास्ट करने वाली हूँ। इसके अलावा रेड हो गई, येलो हो गई, अब बात करते हैं ग्रीन साड़ी की। ग्रीन साड़ी भी ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ग्रीन साड़ी भी एक ऐसी है जो कि आपके चेहरे को ना इंस्टेंट ब्राइट दिखाती है, आपका जो स्किन टोन है ना वो अच्छा लगने लगता है ग्रीन साड़ी पहन के। अभी आपको ध्यान देना है ग्रीन में कौन सा ग्रीन लेना है, आपको तोते वाला ग्रीन नहीं लेना है, कभी नहीं लेना है। कुछ लोग ले सकते हैं जिनको पसंद है, वो अपनी चॉइस होती है, बट अगर मैं सजेस्ट करूँगी इंडियन स्किन टोन के हिसाब से तो तोते वाला ग्रीन मत लेना। आप लेना वो डार्क वाला जो ग्रीन होता है वो लेना, जैसा कि मैंने ब्लाउज पहना हुआ है ये वाला ग्रीन भी आप ले सकते हो। इसके साथ ब्लाउज ना आजकल काफ़ी कंट्रास्ट में चल रहे हैं तो आप वो देख लेना। बाकी ग्रीन नहीं लेना चाहते हो तो ग्रीन के साथ ना एक और शेड आता है, ब्लू का शेड, मैं उसकी इमेज लगाऊंगी, एक ब्लू सा शेड आता है, अलग सा ब्लू होता है, वो शेड भी आप ले सकते हो। वो शेड भी बहुत ही ज़्यादा इन है इस समय, ताकि आपकी जो ग्रीन साड़ी हो उसका भी जो ग्रीन हो वो अच्छा हो, खिलता हुआ हो, और साड़ियों में ना ऐसा वर्क हो, ये जो हल्का सा ना आई डोंट नो अभी इसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, साड़ियों में भी ना ऐसा वाला वर्क हो, ये हल्का सा मोती वाला जो वर्क होता है ये अच्छा लगता है। तो मेक श्योर करो कि साड़ी में ऐसा ही वर्क हो, और जो भी ब्लाउज बनवाओ ब्लाउज में इतना इतना मार्जिन लेके चलो, बट खैर वो तो ब्लाउज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि कौन से ब्लाउज आपको बनवाने चाहिए, किस साड़ी के साथ कैसा पहनना चाहिए। बट हाँ, आपके पास एक ग्रीन साड़ी होनी चाहिए। ग्रीन साड़ी के ना कई ऑप्शन मैं यहाँ लगाऊंगी जो कि इन है इस समय और जो कि अच्छे लगेंगे, जो कि मैं पहन के भी दिखाऊंगी यहाँ पर आपको कि हाँ मेरे ऊपर ये ऐसे लग रहे थे, तो शायद आपको ऊपर भी अच्छे लगे, आप ले सकते हो। तो ग्रीन साड़ी एक आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास एक ब्लू साड़ी होनी चाहिए। ब्लू में भी दो शेड आते हैं, रॉयल ब्लू सबके पास होता है, एक दूसरा ब्लू का शेड आता है, उसकी इमेज मैं यहाँ पर लगाऊंगी उस साड़ी की, जिस साड़ी की मैं बात कर रही हूँ वो साड़ी का कलर भी ना बहुत यूनिक से था,
इसके अलावा चाहो तो आप एक रेडी टू वेयर साड़ी ले सकते हो, जिसका ब्लाउज ना कुछ अलग सा पैटर्न का होता है, थोड़ा वेस्टर्न लुक देता है। क्योंकि कई बार आपका होता है कि अगर आपको अपने हस्बैंड के फ्रेंड की शादी में जाना है तो आप चाहोगे आप थोड़े से ग्लैमरस दिखो, तो आप डेफिनेटली रेडी टू वेयर साड़ी पहन सकते हो कुछ अच्छे से ब्लाउज के साथ। आजकल तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट ब्लाउज आ रहे हैं और अच्छी भी लगती है। रेडी टू वेयर साड़ी क्या होती है, आपको थोड़ा सा स्लिम दिखाती है, ज़्यादा स्लिम दिखाती है। अगर आप पतले हो तो आप ऑर्गेन्जा की तरफ भागो, सिल्क की तरफ भागो, टिश्यू की तरफ भागो। और अगर आप थोड़े से हेल्दी हो तो आप सॉफ्ट साड़ियों को पसंद करो ज़्यादा, या फिर सिल्क भी बोलो जो कि बॉडी में चिपकता है, या फिर आप जॉर्जेट की तरफ जा सकते हो। डोला सिल्क जो होता है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो आप वो सब ले सकते हो। तो आप रेडी टू वेयर साड़ी भी ले सकते हो। इसके अलावा आजकल बहुत सारे नए कलर आए हैं ट्रेंड में, बहुत सारे नए कलर आए जो कि इंग्लिश कलर होते हैं। ये सब कलर आपको अभी आप एक आध लेना चाहो तो ले लो, बट क्या होता है ना, शादी के लगभग 4 से 6 महीने तक ना आप हमेशा ब्राइट कलर ही पहनोगे, आपके घर वाले भी चाहेंगे आप ब्राइट कलर ही पहनो। तो मेक श्योर करो कि शादी के 4 महीने ना ब्राइट कलर पहन लो, बिकॉज उसके बाद तो पूरी ज़िंदगी आपको अपने मन की साड़ी पहननी है, कुछ भी पहन लेना है, कोई भी लाइट सा कलर पहन लेना है। लेकिन जो शादी के 4 महीने होते हैं, शादी के बाद वाले, इसमें आप ब्राइट कलर पहनो, क्योंकि आप लोगों से मिलते हो, रिश्तेदारों से मिलते हो, तो थोड़ा अच्छा लगता है। आपने अगर ब्राइट कलर पहना है तो थोड़ा अच्छा लगता है। पिंक कलर बहुत अच्छा लगता है, फूशिया पिंक होता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। पिंक के भी ऑप्शंस मैं यहाँ वहाँ लगाती जाऊँगी, आप देखते जाना। पिंक कलर भी अपने आप में बहुत ही खूबसूरत है, मतलब बहुत खूबसूरत है, वाकई में खूबसूरत है। तो पिंक कलर की साड़ी भी आप ले सकते हो। आजकल तो गोटा पट्टी की साड़ियाँ भी इतनी ज़्यादा आ रही हैं। मुझे पर्सनली साड़ियाँ पसंद आती हैं या तो सिल्क की, जो कि बहुत सुंदर सी होती हैं, या फिर एकदम सॉफ्ट स्टफ़ की, जो कि अलग सी लगती हैं, आपकी बॉडी का शेप बताती हैं, प्रॉपर आपका फिगर जो होता है वो अच्छे से इन्हांस करती हैं, तो आप वैसी साड़ियाँ भी ले सकते हो। इसके अलावा अगर आप घर में पहनने का सोच रहे हो, घर में पहनने के लिए साड़ियों का सोच रहे हो, तो शादी के जस्ट बाद भी आप देखो नॉर्मल साड़ी तो नहीं पहनोगे ना 500-600 रुपए की, क्योंकि शादी के जस्ट बाद की बात मैं कर रही हूँ, तो उसमें भी आप क्या कर सकते हो, सॉफ्ट वाली साड़ियाँ ले सकते हो। सॉफ्ट वाली जो कॉटन सिल्क होती हैं, सिल्क नहीं, कॉटन सिल्क होती हैं, जो कि अच्छी लगती हैं। आपने देखा होगा जो टीचर्स पढ़ाती हैं स्कूलों में, वो पहनती हैं जो साड़ियाँ, अच्छी अच्छी टीचर्स पहनती हैं कॉटन की, एकदम अच्छी सी सुंदर सी साड़ी होती है, उसमें गर्मी भी नहीं लगती है। अगर सर्दियों में है, अगर मैं इसी साल की बात करूं, अभी ये वाली सर्दी की बात करूं, तो आप सिल्क की ले सकते हो। सिल्क की साड़ियाँ थोड़ी सी मोटे स्टफ़ की भी आती हैं, सिल्क में ना जो एकदम सॉफ्ट वाला स्टफ़ आता है, जिसका बॉर्डर होता है, सिर्फ बॉर्डर होता है, वो साड़ियाँ भी ले सकते हो। चुनरी की साड़ियाँ ले सकते हो, चुनरी वगैरह, वो सब भी बहुत सुंदर लगता है, तो आप ये सब साड़ियाँ ज़रूर ले सकते हो। इसके अलावा मेरे पास आपके लिए एक ऑप्शन है साड़ी का, वो है ये साड़ी, दिस इज़ द रेड साड़ी, जो है सदा सौभाग्यवती भव साड़ी, यहाँ पर लिखा है सदा सौभाग्यवती भव। आप ये साड़ी ले सकते हो। ये साड़ी मैंने इसलिए बोला बिकॉज आजकल ना लड़कियाँ सदा सौभाग्यवती भव बहुत ढूंढती हैं, चाहे वो चुनरी में हो, चाहे लहंगे में हो, चाहे साड़ी में हो, तो आप ये साड़ी ले सकते हो। आप तो ये बहुत सारे कलर्स में अवेलेबल है, जब मैंने लिया था तो सिर्फ रेड साड़ी थी, तो आप ये भी ले सकते हो, ये भी अच्छा लगेगा। सो या मुझे लगता है मैंने आपको बता दिया कि आपके पास मेजरली कौन कौन से कलर्स होने चाहिए जो कि अच्छे लगते हैं शादी के जस्ट बाद आपके ऊपर। ये टोटली आपका डिसीजन है कि आपको कौन सी साड़ी लेनी है, कितनी लेनी है और कहाँ से लेनी है। और ये सब साड़ियाँ आप चाहो तो सामने से जाके लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सामने से जाके क्या, आप लगा के देख सकते हो, या फिर आपने कभी किसी को पहने हुए देखा है ऑनलाइन लिए हुए, तो आप उनके रेफरेंस से ले सकते हो, उनसे पूछ के कि मैंने ये साड़ी आपको पहने हुए देखा था, क्या ये साड़ी अच्छी है, वाकई में इसकी क्वालिटी अच्छी है, उनसे के तब आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। बट शादी की शॉपिंग बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऑनलाइन भी कर लो, लेकिन दुकान पे जाके लेना ना अलग ही फील आता है, तो दुकान पे जाके आप ले सकते हो। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई जस्ट होप कि आपको ये सीरीज का पहला पार्ट पसंद आया। अगर पसंद आया तो मेक श्योर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। क्या पता ये वीडियो किन के लिए हेल्पफुल हो सके। तो नए वीडियोज के साथ, क्रिएटिव चीजों के साथ, अच्छे अच्छे आइडियाज के साथ मैं आपसे दोबारा मिलती हूँ। तब तक के लिए लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।